बाहर आया उसकी मौत होगी बेचारे की। गोवर्धन पर्वत का स्कैम हो रहा है इसका। कैसे आप लोग, आई होप आप ठीक होंगे। बस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्ती वाली होने वाली है। ये हम विजय हमें लेके आया है अलीपुर वाले खाटू श्याम में। टाइमिंग हो रही है भाई 6:30-6 हो रहा होगा और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और वहाँ पर हमने पार्किंग करी है। अच्छा करो, आपको यहाँ का माहौल दिखाएंगे। हमारे दोस्त वगैरह कह रहे थे कि भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब ना वो हो गया, डेवलप हो गया, ये तो बहुत सी चीज़ें बन गई है। चलो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहना। और ये देख लो, ये पार्किंग है। अगला साइड से आते हो तो आपको यहाँ पे बस स्टैंड मिल जाएगा, तो बस से आ सकते हो। और अपनी व्हीकल वगैरह है तो कार वगैरह इधर लगेगी, बाइक वगैरह इधर लगा सकते हो। बाकी आप इधर से आ रहे हो जहांगीरपुरी और आजादपुर साइड से, तो आप इधर से आ सकते हो। भाई बहुत ही अच्छा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल खाटू श्याम जैसा ही कर दिया है, मतलब राजस्थान वाले की तरह कर दिया। चरणचिन्ह प्रवेश द्वार देख लो, भक्तों की श्रद्धा देख लो, गर्मियों के मौसम देख लो, पंखे लगे हुए हैं। हम दोनों ने एक गुलाब ले लिया है राजस्थान वाले खाटू श्याम वाले पास, बट वहाँ किसी का कैंसिल हो गया अलीपुर वाले वहाँ के। कहते हैं भाई बुलावा हो तो कहने के तो चले जाओगे, तो हमारा बुलावा तो इसलिए आ गए। देख लो भक्तों की श्रद्धा। उनको विजय ने बताया कि ये नवग्रह है अस्त गजराज। भाई विजय रेगुलर आता तो उसको पूरा का पूरा नॉलेज है। इसी के साइड में भाई ये है 108 हवन कुंड। ये इतना शांत भाई, सुबह सुबह लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं था। इन्होंने देख लो कितना अच्छा माहौल बना दिया है। भक्ति के नाम पे वो हो रही है यहाँ पे, स्कैम हो रहा है इसको तो ये कहेंगे। ये वृंदावन की वो कर दी है, मतलब जो गोवर्धन पर्वत था तो के द्वारा किया हुआ है, कल का वो है। चलो अच्छा है, साफ तो कर दिया है। तो ये नहीं था बस, अभी पानी पीने का सीन था, तो वो कैफे भी नहीं था। सिग्नेचर ब्रिज, हाँ सिग्नेचर ब्रिज तो था और ये भी था भाई। इससे भाई हमारे इलाके का ही होगा, हमारे घर के पास पड़ता है। तो भाई साहब आओ एक बार खाटू श्याम, मेरे कहने पर नहीं भगवान के बुलाने पे। ये डूबती हुई नाव भी है, और ये डूबती हुई नाव में बैठो, क्या पता तुम्हारी नाव निकल जाए इसी बहाने। यहाँ पे भी काम चल ही रहा है भाई, बन रहा है, मतलब तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे उठ रहती है। बाकी ये देख लो, ये भी है यहाँ पे, सामने का व्यू कितना तगड़ा आ रहा है। और ये देख लो खाटू श्याम दिल्ली धाम, ये देख लो इनकी भक्ति है जो दिख रही है इनके शक्लों पर। सिर्फ फोटो के लिए आया ये, मैं तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देख के कोई बंदा अगर ना आए तो उनको पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या है, वो सब घूम सके। मैं काफ़ी बड़े एरिया में ही है, मैं सोचा था बस छोटे से एरिया में है। जब मैं आया था पहली बार तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा छोटा ही होगा, लेकिन नहीं भाई बहुत बड़ा है। आज तो चला ये एरोप्लेन वाला भी बनेगा, ट्रेन वाला भी बनेगा, जिनके अंदर वो खाना वगैरह खाते हैं, आपने कभी देखा हो, सामाजिक समानता का प्रतीक। और यहाँ से व्यू चेक करो, बंदे कैसे फोटो ले रहे हैं। भक्तों के लिए देख लो शीतल जल, कृपया हाथ मत धोए यहाँ पे, हाथ धोने क्योंकि पीछे बना हुआ है। देख लो झूले के मजे ले रहे हैं वीडियो बनाते हुए, पता नहीं किस लिए खड़े यहाँ पे। विजय बता रहे पहले वहाँ खड़े थे उस साइड, अब यहाँ करती है। और अभी हम जाने वाले हैं तोरण द्वार, ये देख लो, ये भाई तोरण द्वार बिल्कुल राजस्थान की कॉपी जैसी बनाई गई है। अच्छा भाई बहुत अच्छा, वो ऋषि मुनि है ये तो। 6:35 पे यहाँ पे होगा भाई वो, मतलब जो इनका दर्शन होगा। एक तो खुल चुके हैं गणेश जी का, हनुमान जी का भी खुल चुका है। संडे है तो इसकी स्कूल की छुट्टी होगी, तो देख लो इसके पापा ने बोला कि क्या करें घर पे बैठ के, साथ भी यही होता था संडे के दिन कुछ कुछ काम मिल जाता था, इनको भी काम मिल गया है। यहाँ पर भी ना बिजनेस का स्क्रैम चल रहा है, ये देख लो, ये जो ये दिख रहा है ना, ये सोफे वगैरह लगे हुए हैं, ये VIP लोगों के लिए है। और ऊपर जो वो जो आ रहा है वही VIP लोगों के लिए है। और VIP का मतलब क्या है, तुम पर्ची हाँ जैसे विजय ने बोला, ऊपर से पर्ची कटवाओ और VIP लाइन में एंट्री कर लो, और देख लो अच्छे वाले दर्शन कर लो। इससे भाई सीधे सीधे गरीब लोगों के ऊपर चाटा मार दिया इन्होंने। राम जी का दर्शन होने वाला है, अभी हटेगा रेड रंग का पर्दा। भाई हो गया दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन था। ज्यादा एनर्जी लगती है भाई इसमें, ये लड़का चढ़ तो पा नहीं रहा है, गेम का खेलेगा। जो दो तुम आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रहे हो क्या, क्या कह रहे हो? बना नहीं है। आओ बनवा दो आधार कार्ड, मैं बनाता हूँ। वो बंदा फोटो कैसे खिंचवा रहा है, एक बार खड़ा होकर देखिए फोटो कैसे खिंचवा रहा है वो। ऐसे फोटो खिंचवा रहा है आधार कार्ड के लिए, से फोटो खिंचवा रहा हूं। जाओ बजाओ भाई, अरे दोबारा बजाओ ना, जाओ ना तुम जैसे बंदों को ढूंढता हूं मैं पूरे दिन, कोई घंटी बजाने वाला मिले मेरे को, अगर मैं इसमें सुई मार दूं तो। करो भाई शुरू करो यार, मैं गिरने का इंतजार कर रहा हूँ। सो तो हवाई कम होगी भाई,
भाई गाइस अब यहाँ से जाने का प्लान बन रहा है, देख लो। और ये हमारे अंकल जी जो कि बहुत मेहनत करते हैं। अंकल बहुत बिजी है, यहाँ के जितने भी गाड़ा सब बीजे के दोस्त हैं। सबको ना प्रणाम करते हुए चलो। इस पे कर रहा था तो बहुत मोटा था वो, तो वो गिरा ना, तो गिर के बाहर आ गया, बाहर आया उसकी मौत होगी बेचारे की। तो भाई इसलिए तब से मुझे डर लगता है। हाय अंकल, अंकल ने इग्नोर मार दिया मेरे को, धोखा दिया अंकल ने। मैं ना खाने में वो निकला था, बिच्छू निकला था एक के, सही में मैंने खाना बंद कर दिया। बहुत बेकार खाना मिलता है, पैसे लेते हैं यानी 50 रुपये छोले भटूरे मिला, लेकिन स्वाद बिल्कुल नहीं आता भाई। स्वाद के नाम पे ये ना पता नहीं क्या पकड़ा करते, तुम आके चेक कर लो अपने खा के एक बार। मेरे बहुत बोलो बीमार हो जाओगे, और कुछ नहीं। वीआईपी दर्शन करवा रहा है विजय हमारी, ये देख लो। जय श्री श्याम जी, भगवान का नाम लिया। और ये देख लो क्या लिखा, अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलकर पूरी करो। भाई भगवान जब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा जब तुम सच्चे होंगे, तो कान में तुम कितना भी चिल्ला लो नंदी जी के, नंदी जी कुछ नहीं तुम्हारी बात सुनेंगे। देख लो गाँव सेवा, भाई गाय सेवा सबसे पुण्य का काम होता है। विजय नहीं डरता, विजय को गाय भी जानती है आगे, मुझे तो गाय भी नहीं जानती। अबे क्या है मेरे भाई, कितनी मेहनत चल रही है। एक और कर, करना करना यार, अच्छा कर रहा है। इसके परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन पर्वत की जीत का, तो चलो लगाते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त कवर की फीलिंग आ रही है, और भाई नेगेटिविटी जितनी भी थी फीलिंग भाई थिंकिंग सब खत्म हो गई, सब पॉजिटिविटी में आ रही है। चलो भाई चलो, ज़्यादा फोटो नहीं लेना चाहिए। बोलो जय श्री श्याम, वो लिखो कमेंट में जय श्री श्याम। और यहाँ से हम निकल रहे हैं, ट्रैक्टर भर के बंदे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। कितनी भीड़ है यहाँ पर, आइसक्रीम भी जाते हैं, देख लो हमारी लस्सी बन रही है, हम लस्सी पियेंगे यहाँ से। देखो अंकल जी बाबा के बुलाएंगे, पिलाना फिर पी के जाएंगे, कचोरी ले रहे इधर पर। भाई देख लो कितनी गंदगी खेल रखी है, गंदगी में ही खा रहे बंदे, सफाई नहीं कर रखी बिल्कुल। एक तो कम से कम रखना ही चाहिए ना साफ करने के लिए। मैंने पूछा उस अंकल से, तो कह रहा कि भाई अभी साफ करने आएगा, पता नहीं कब आएगा। कितनी भीड़ है। और एक बात और भाई, लस्सी तो भाई एवरेज ही थी और कचौड़ी भी, लेकिन देखा जाए कि अगर मसाला और प्याज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे, कचौड़ी तो सही थी उसके हिसाब से। बाकी हम अपनी स्कूटी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा ये रही, ओ भाई अंदर गिरी हुई है। हम एग्जिट कर रहे हैं, ये पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एग्जिट गेट पे, ये स्कूटी कैसे निकलेगी, बहुत डिफिकल्ट है यार। कार का ये सीन हो गया, उस टाइम जब आया था बिल्कुल भीड़ नहीं थी, रिजल्ट कितनी भीड़ है। हमें तो यहाँ से लेफ्ट लेना है, तुम्हारा भाई तो हैवी ड्राइवर है, देख लो जाम में भी एक हाथ से चला रहा है। निकल चुके अपने घर के लिए, और ये देख लो जाएगा सीन, बहुत ही तगड़ा सीन है है। और भाई ये जो ये जितने भी गाड़ियाँ लगी है सब खाटू श्याम के दर्शन करने वाले वाले भक्तों का, ये देख लो लंगे पाँव सब यहाँ से जा रहे हैं, अपना चप्पल वगैरह बाइक वगैरह स्कूटी या गाड़ी का डिक्की वगैरह में रख के। और आज संडे तो भाई आज रैली वगैरह भी देखने के लिए मिल सकता है आगे, बाकी पता नहीं क्या सीन होने वाला है। ये देख लो एक रैली आ रही है छोटी सी, जैसे मैंने रैली का नाम लिया और रैली देख लो आ ही रही है भाई, बाइकों पे भी है, स्कूटी वगैरह पे भी है, पैदल भी है। बोल खाटू नरेश की, हरे के सारे की, ये देख लो भाई, तीन बार धारी की, किस्मत बनाने वाले की जय। ये देख लो भाई भक्तों की श्रद्धा, देख लो चांदी का दर्शन करने के लिए भाई बस भक्ति होनी चाहिए। देख लो जैसे इन चार पाँचों में कुछ तगड़े वाली, देख लो लंगे पाँव निकल चुके हैं। बाकी गाइस अभी हमने विजय को उसके घर पे छोड़ दिया और अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और ऐसे वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में मैंने बनाई थी, क्योंकि भाई वीडियो बनाने का कोई प्लान वगैरह था नहीं, तो विजय कह रहा कि भाई वीडियो बनाई ले अगर आया तो भाई एक मेमोरी कैप्चर हो जाएगी हमारी साथ की, तो भाई चल यार बना ही लेते हैं। तो भाई जो भी कुछ होता भाई अचानक क्या हर एक चीज़ अच्छा ही होता है, तो हम राजस्थान वाले खाटू श्याम बाबा से मिलने नहीं जा पाए, इसलिए हम अलीपुर वाले खाटू श्याम बाबा के पास गए। तो बाकी मैं तो यही कहूँगा भाई कि कहीं भी जाओ बाबा से मिल लिए, और क्या यहाँ के मिलो या फिर वहाँ के मिलो, सब भगवान सबसे एक ही है, दिल में बस श्रद्धा होनी चाहिए, जो कि मेरे दिल में बहुत श्रद्धा थी अच्छी। तो भाई आप कमेंट करना जरूर, और जैसे से आप जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।